एक ऐसा संस्था जो 15 वर्षों से लगातार गरीब व असहाय परिवारों को मदद करते आ रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सिद्धार्थ कंपेशन ट्रस्ट बोधगया की, जहाँ वर्षों से लगातार गरीब और ज़रूरतमंदों को हर चीज़ मुहैया कराई जा रही है जिसकी उन्हें सख्त ज़रूरत है। बुधवार को इस संस्था के द्वारा बसाड़ी पंचायत के हथियाड़ गांव में जल समस्या से जूझ रहे लोगों के बीच एक हैंडपंप लगाई गई। साथ ही वृक्षारोपण भी किया गया, जिसमें नीम और पीपल के वृक्ष लगाकर लोगों को जागरूक की गई। इसके साथ साथ हर व्यक्ति से एक एक वृक्ष लगाने की निवेदन की गई। मौके पर अमेरिका से आए दानदाता लोटस ब्लू सिस्टर ने चापाकल की उद्घाटन स्वयं की तथा पूजा अर्चना कर वृक्षारोपण भी किया। वहीं संस्था के चेयरमैन विवेक कुमार कल्याण ने ग्रामीणों से हैंडपंप और लगाए गए वृक्ष को निगरानी करने की आग्रह की। हमारे सिद्धार्था कंपेशन ट्रस्ट के जरिए लगभग 20 गांव को भ्रमण करके चापाकल हम लोग लगा रहे हैं और वृक्षारोपण कर रहे हैं। ये बसारी पंचायत के हथियार गांव में ये चापाकल लगाया गया, जहां पर महादेवी टोला है, जहां पर पानी की बहुत दिक्कत हो रहा था। उन्होंने बताया जब हम वृक्षारोपण और चापाकल लगा रहे थे, उन्होंने हमसे मिलना हमको बताया कि हमें चापाकल की बहुत दिक्कत हो रही है, पानी बहुत दिक्कत हो रही है। इस जगह को भ्रमण किया और देखा कि वाकई में पानी की बहुत दिक्कत हो रही थी। लोग कम से कम 1 किलोमीटर दूर से जाकर पानी ला रहे थे। मैंने इस तरह से फिर यहाँ पर हैंडपंप यहाँ पर करवाकर पानी की व्यवस्था यहाँ पर करवाई, और इसके साथ साथ हम लोग वृक्षारोपण भी कर रहे हैं ताकि जो है शुद्ध वातावरण मिल सके, जलवायु मिल सके, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि गर्मी बहुत है, वृक्षारोपण नहीं किया जा रहा है। इसके वजह से हम लोग पूरा सिद्धार्था कैंपेशन का टीम हर जगह जा जा कर वृक्षारोपण कर रहे हैं, जल शक्ति अभियान का जागरूक कर रहे हैं। Are people and nature.